शायद कुछ ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त, एक मिनट, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद धारा 144 लागू कर दी गई है, मऊ में धारा 144 लागू की गई है, ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। इसके अलावा बांदा में भी धारा 144 लागू की गई है, गाजीपुर में भी 144 सेक्शन 144 लगाया गया है, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। सत्यम इस वक्त जुड़ गए बांदा से मेरे साथ लाइव। सत्यम मुझे तस्वीरें दिखाइए और इस वक्त क्या क्या माहौल है, क्योंकि मुख्तार अंसारी जिसको 2 घंटे पहले मेडिकल कॉलेज लाया गया था, अब खबर है कि दिल के दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई है। क्या क्या है वहां पर, क्या समर्थक जुट रहे हैं, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, क्या है जरा बताइए, क्या अधिकारियों ने कुछ कहा इस पर अभी? देखिए, लगभग 2 घंटे के आसपास जिस तरीके से बैरक में दिल का दौरा पड़ने के बाद में जब मेडिकल कॉलेज में लाया गया, तो कहीं ना कहीं ये तो हलचल थी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई अनहोनी हुई है, लेकिन साफ तौर से ये क्लियर नहीं था कि वाकई में कुछ हुआ है। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये जरूर जानकारी निकल कर के सामने आ रही है कि उनकी मौत हो गई है। फिलहाल मैं अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं तो सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं, पैरा मिलिट्री फोर्स भी यहाँ पर तैनात की गई है, कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज को छावनी में तब्दील किया गया है। जी, क्या आप तस्वीरें दिखा पाएंगे मुझे वहाँ की? बिल्कुल, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाएं कि किस तरीके से ये यहाँ से सेकेंड फ्लोर पर ही आईसीयू है जहाँ पर उनको रखा गया है। फिलहाल अगर बाहर की तस्वीरें मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि साझा करें, वहां पर आप देख सकते हैं कि जो पुलिस बल है वो मौके पर तैनात है। लगातार साफ तौर से जो निर्देश है वो अधिकारियों की तरफ से दिए गए हैं, यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी तरफ से जो है यहाँ पर धारा 144 भी लागू की गई है। जी,